गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तरांचल वाले में। मेरा नाम है कुंदन, यानी कि करण पहाड़ी से आप जान सकते हैं। और आप लोगों का स्वागत है इन हसीन वादियों में। और इन हसीन वादियों से मुझे जाना पड़ रहा है अभी दिल्ली की ओर। और मौसम आज तो बिल्कुल मस्त, एकदम धूप खिलने वाली है। आप देख सकते हैं हल्का पूरा बादल है ही नहीं छत आसमान में बिल्कुल लगभग। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मुझे 7 बजे वाली गाड़ी में निकलना है। हमारे गांव से ही जा रही है दिल्ली की गाड़ी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ। बाकी आपको दिखाते रहूँगा आगे आगे कि कैसे कैसे हम यहाँ से दिल्ली से अपने पहाड़ से दिल्ली की ओर चलते हैं। और ये री रोड, हालांकि मुझे बस से तो नहीं जाना पड़ेगा आज, जहाँ तक मेरे को लगता है छोटी गाड़ियाँ हैं। और छोटी गाड़ी से हम जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे कि अपडेट देते रहेंगे कि हम कहाँ पे हैं अभी। और बाकी तो यहाँ पे एक बाकी ये जूनियर हाई स्कूल है यहाँ पे। और उसी गधेरे में मैं पहुँच चुका हूँ, सामने घर के नीचे जो हमारा गधेरा है। बताया था आपको कल भी मैंने पहले वाली वीडियो में भी कि पानी अभी थोड़ा कम है, क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश कम हो रही है आजकल, इस वजह से थोड़ा सा पानी कम है। और ये सिसोण है पूरा, ये देखिए। और ये रहा पुल, ये रही नदी। नदी तो क्या बोलेंगे इसको, गधेरा ही बोलेंगे। और जो ये झाड़ी है, झाड़ियों में ना बढ़िया बढ़िया फूल हो रखे हैं। थोड़ी देर में मैं पहुंचने वाला हूं अपनी मेन रोड पे, और थोड़ा रोड से आगे जाके वो पहली से मेरे को गाड़ी मिलेगी। और ये देखिए मैं पहुंच चुका हूं अपनी मेन रोड पे, और यहां से मुझे जाना है नीचे पहली में। नीचे बहुत अच्छे हरे भरे खेत हैं और धूप आ चुकी है घर के ठीक ऊपर से। मेरा घर सामने ही नीचे है पहली गाँव। आज देखिए मौसम कितना सुहाना हो रहा है, एकदम मस्त धूप खिलने वाली है आज तो। कल तक हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। और ये देखिए फिलहाल तो इन मस्त मस्त हसीन वादियों को फिलहाल विदा लेने का टाइम आ चुका है यहाँ से अभी फिलहाल के लिए। फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी आपको यहाँ से। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खेत हैं आप देख सकते हैं धान के। और आगे मेरे को मिलने वाला है एक पुल। और यहाँ पे है अखरोट के पेड़, अभी अखरोट पकने लग गए हैं। और अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ से, ये सारे अखरोट के पेड़ ही हैं यहाँ पे। और फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूं पहली गांव के स्टार्टिंग पॉइंट पे। और ये देख सकते हैं यहां से शुरू हो जाता है पहली गांव, आपको दिखा होगा। और सामने आगे है, अभी तो एकदम मस्त वाली ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं मैं। ये रस और ये रहा पहली गांव का मेन गांव है हमारा, ये सारा आप देख सकते हैं पहली गांव। और उस साइड है नौगांव, नीचे है प्रागताल। फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज पता ही है अपने देवभूमि को छोड़ के ना बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। और बाकी तो लो चलिए जी, हम पहुंच चुके हैं प्रागताल में। और मेरे सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे पुल बन रहा है अभी, ये लगभग 2 साल से तैयार हो रहा है और अब फिनिशिंग पॉइंट पे है। लगभग 1-2 महीने में फाइनल बन जाएगा। और ये देखिए वो सामने है तलागेश्वर मंदिर, महादेव का मंदिर। और मेरे ठीक पीछे है नंदा देवी का मंदिर, जहाँ पे ढरान बोलते हैं। यहाँ पे अभी नंदा मल्लिकाष्टमी का मेला लगता है। और सो अभी तो देखिए मौसम एकदम मस्त, हल्की फुल्की धूप आ चुकी है और हरियाली कितनी हो रही है ये आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए जी आपको एक आगे टावर दिख रहा होगा,
जो टावर है इसकी सर्विस एकदम घटिया है बिल्कुल ही, ये तो गांव वालों को ही पता होगा। और उसके ठीक नीचे है त्रागताल का स्कूल, यहाँ की बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ की। चलिए जी, हम पहुँच चुके हैं अभी मेन मार्केट से आगे को, चकुटिया से आगे, और मौसम आप देख सकते हैं एकदम मस्त खिला हुआ आज बिल्कुल। और ये स्कूल है यहाँ पे, और ठीक पीछे से है ये रामगंगा नदी आ रही है मेरी, और ये रामगंगा नदी आ रही है ऊपर गढ़वाल से, यानी कि खेड़ा खंचर इस साइड से आ रही है। और जो आपको ये हरे भरे खेत दिख रहे हैं, ये आजकल इनमें हो रखा है धान, और ये बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं अभी मुझे तो। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए जी, अभी हम मासी में पहुंचने वाले हैं और आपको भूमिया बाबा का मंदिर दिखाऊंगा गाड़ी से ही। अभी जा तो सकते नहीं हैं, तो फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो आपको वहां के दर्शन करवाऊंगा। फ़िलहाल तो मैं गाड़ी से ही आपको दिखा सकता हूं। अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं वहां पे। चले जी, यहाँ पे एक रेस्ट लेते हैं और चाय पानी पीते हैं, उसके बाद निकलेंगे। यहाँ से रामनगर है 63 किलोमीटर, और सीधे जो राइट हैंड में है इस साइड को है रामनगर। चले जी, खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे लेते लेते हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सोरेल से पहले। यहाँ पे एक पहाड़ी रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छा सा, और ये जो कि है सोरेल से पहले, और रामनगर से जब आओगे तो आप लोग यहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे व्यू पॉइंट भी।
थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं रामनगर पे, और रामनगर से पहले यानी कि मोहान पे पहुंचने वाले हैं, और जहाँ पे की है कार्बेट नेशनल पार्क। अभी आपको आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पशु पक्षियाँ भी दिख सकती हैं, पशु में तो हाथी तो ज़रूर दिखेगा। अभी दिन का टाइम है तो जानवर कम आता है रोड पे। चलिए जी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था वो आपके सामने है, और ये देखिए एक बड़ा सा हाथी है, इस पर सवारी हो रही है, और पीछे पीछे एक और हाथी है, ये देखिए यहाँ पे हाथी पे सवारी हो रही है अभी। और तो कोई जानवर मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि दिन के टाइम में जानवर कम आते हैं रोड पे, ऐसी कुछ बात है। बाकी मौसम तो एकदम मस्त हो रखा है आज, इधर तो बादल लगे हुए हैं, ऊपर तो मौसम साफ था, नीचे को थोड़ा सा हल्के बादल हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारी गाड़ी RTO ने रोकी हुई है, ड्राइवर को बोला गया है कि कागज़ वागज दिखाएं, और अभी कागज़ दिखाने गया हुआ है वहाँ पे। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं काशीपुर में, और यहाँ पे है रेलवे स्टेशन काशीपुर का। दो भाई आए थे, वो गए हुए हैं टिकट लेने के लिए। तो गर्मी तो बहुत हो रही है, अब ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।